हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, हम टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और लास्ट टाइम हमने ओवरलैपिंग कंसेप्ट पढ़ा था कि किस तरह से ऑर्बिटल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कि कोवलेंट जो बॉन्ड बनती है वो कितने तरह की होती है। ठीक है, टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो कोवलेंट बॉन्ड होती है वो दो तरह की होती है। नंबर फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, एंड पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड जिसको पाई से रिप्रेजेंट हम करते हैं। ठीक है, देखिए जो सिग्मा बॉन्ड होती है वो बनती है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, हेड टू हेड बोल सकते हैं इसको, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बिटवीन द ऑर्बिटल्स। और जो पाई बॉन्ड बनती है वो बनती है साइडवेज ओवरलैपिंग से, साइडवेज ओवरलैपिंग से। क्लियर? हाँ जी, डिटेल में इसको हम करेंगे। सबसे पहले बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, हाँ जी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा बॉन्ड हमारे पास होगी व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स, बिटवीन द टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल अलोंग देयर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, व्हेन ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू एटम्स बाय द ओवरलैप ऑफ दियर एटॉमिक ऑर्बिटल, बाय द ओवरलैप ऑफ दियर एटॉमिक ऑर्बिटल along the internuclear axis, along the internuclear axis. Means z axis. ठीक है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम किसको मान के चलते हैं? z एक्सिस, या फिर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ओवरलैपिंग है तो हम बोल सकते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग, या फिर बोल सकते हैं एंड टू एंड, एंड टू एंड ओवरलैपिंग। क्लियर? हाँ जी, जब दो एटम्स हैं उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनमें ओवरलैपिंग होती है, इस पे किसके अलोंग? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, तब हम बोल सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बनती है। जैसे सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्ड बन सकती है अगर एस एस ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, दोनों ही एटम की एस ऑर्बिटल हो, जैसे लिथियम हाइड्राइड है। ठीक है, लिथियम की भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है और हाइड्रोजन की भी एस ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है। जैसे नंबर फर्स्ट एस एस ओवरलैपिंग, एस एस ओवरलैपिंग, हाँ जी, एक एटम है जिसकी एस ऑर्बिटल है, दूसरा एटम है जिसकी एस ऑर्बिटल,
क्लियर? हाँ जी, ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करते हैं तो ये आ गया मेरे पास, क्लियर? एक कोवेलेंट बॉन्ड बन जाती है, ठीक है? हाँ जी, इस कोवेलेंट बॉन्ड को मैं शेप दे सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं इसका जो कॉमन पार्ट है उसको नेगलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो इसका जो शेप आता है वो इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, क्लियर? और इसको मैं बोल सकता हूँ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? एक न्यूक्लियाई ये है हमारे पास, एक एटम का, एक एटम का न्यूक्लियाई ये है, बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉमन हो गए, ठीक है? तो ये सिग्मा बॉन्ड बन चुकी है हमारे। अगर मैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का भी केस देखता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन की वन एस है, वन एस है, और ये बन गया H2 मॉलिक्यूल की एटॉमिक ऑर्बिटल, क्लियर है? तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन रही है, ठीक है? नेक्स्ट, सिग्मा बॉन्ड हमारे पास बन सकती है sp ओवरलैपिंग से, ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग मैंने बोला है, sp ओवरलैपिंग से, ठीक है? हाँ जी, sp ओवरलैपिंग, एक एटम है जिसकी s ऑर्बिटल मैं लेता हूं, ठीक है, और जो दूसरा एटम है उसकी लेता हूं p ऑर्बिटल, लेकिन p ऑर्बिटल कौन सी, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, मींस 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग है, क्या ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हो सकती है? ठीक है, ये s ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, क्लियर है? लास्ट टाइम हमने एग्जांपल भी किया था hf, ठीक है, hf का केस हमने किया था जिसमें हाइड्रोजन की s ऑर्बिटल हम लेते थे और फ्लोरीन की p ऑर्बिटल हम ले रहे थे, ठीक है? हाँ जी, तो ये मेरे पास बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बना देगा, क्लियर, ठीक है? हाँ जी, ये हमारे पास इसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन चुकी है, ठीक है? और इसको किस तरह से लिख सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, जो ये ओवरलैपिंग पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है, जिस पार्ट में ओवरलैप किया है, ठीक है, तो मैं उसको जो शेप देता हूँ वो देता हूँ ज्यादा, क्लियर है, और जो नॉन ओवरलैपिंग पार्ट है उसको कम देता हूँ, क्लियर है? तो ये मेरे पास बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास मोलिकुलर ऑर्बिटल बन गई है किसकी, HF मॉलिक्यूल की, क्योंकि H की तो S ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती है, लास्ट टाइम बात हो चुकी है, जैसे हाइड्रोजन है वन होता है वन एस वन ऑर्बिटल, क्लियर है? लेकिन फ्लोरिन है उसके पास होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 2p5, ठीक है, 2p5, और कोवेलेंट बॉन्ड कब बनती थी, जब आपके पास हाफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और वो अपोजिट स्पिन में लाई करते हैं, तो इसकी p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम है और इसकी s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है, तो sp ओवरलैपिंग, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, जेड क्या है, जेड एज ए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यहां पर जेड क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो हमारे पास क्या बनती है, सिग्मा बॉन्ड बनती है, ठीक है? हाँ जी, नेक्स्ट है पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, अगर दोनों ही पी ऑर्बिटल ओवरलैप करती है, जैसे हमने केस किया था फ्लोरीन का F2 का, ठीक है, लेकिन दोनों की होनी चाहिए इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जैसे एक फ्लोरीन है उसकी भी पी ऑर्बिटल, और पी ऑर्बिटल कौन सी, 2pz ऑर्बिटल, 2pz ऑर्बिटल, क्लियर है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, और दूसरा फ्लोरीन एटम है उसकी भी पी ऑर्बिटल, ठीक है, हम बोल सकते हैं 2pz ऑर्बिटल, जो कि क्या है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, ये एक फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है, ठीक है, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं क्लोज टू ईच अदर आते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो हम बोल सकते हैं ये इनका हुआ कॉमन पार्ट, ये कॉमन पार्ट हो गया, क्लियर, इसको नेग्लेक्ट करके हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं, इस तरह से शेप बना सकते हैं, ठीक है, हाँ जी, तो ये मेरे पास बन गई सिग्मा बॉन्ड, ये मेरे पास बन जाती है सिग्मा बॉन्ड, क्लियर है, पीपी ओवरलैप की वजह से, ठीक है,
सिग्मा बॉन्ड, और कौन से मॉलिक्यूल की, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की, ठीक है, फ्लोरीन मॉलिक्यूल की बन गई है सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और इनके बीच हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। हाँ जी, तो ये मेरे पास सिग्मा बॉन्ड बन रही है। नेक्स्ट है पाई बॉन्ड, और आपको ये भी बता देते हैं कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसके साथ ही ये सिग्मा बॉन्ड क्यों बना रहा है, एस ऑर्बिटल, ठीक है। अगर मैं पी एक्स ऑर्बिटल लेता हूं, जैसे ये एस ऑर्बिटल लेती है, ठीक है, और मैं पी एक्स ऑर्बिटल ले लेता हूं, टू पी एक्स, ठीक है, तो जो इनकी ओवरलैपिंग है, तो जो इनकी ओवरलैपिंग है वो इस तरह से होगी, वो इस तरह से होगी, और ये नॉन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होती है, क्लियर है, ये नॉन इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, चाहे 2px ऑर्बिटल के साथ लो और चाहे 2py ऑर्बिटल के साथ लो, ठीक है, नॉन इफेक्टिव ओवरलैपिंग में बॉन्ड नहीं बनती है, ठीक है। बॉन्ड कब बनती है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग जब दो एटम्स के बीच होगी या दो ऑर्बिटल्स के बीच होगी, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हाँ जी, पीपी ऑर्बिटल के बीच पाई बॉन्ड बन सकती है साइडवाइज ओवरलैपिंग, ठीक है। सबसे पहले तो हम इसमें बताना चाहेंगे कि पाई बॉन्ड बनती कैसे है, ठीक है। द बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द साइडवाइज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, द बॉन्ड या व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्मड बाय द साइडवेज ओवरलैपिंग बिटवीन द पी ऑर्बिटल्स, ठीक है। पी ऑर्बिटल के बीच जब साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, क्लियर है। हाँ जी, पी ऑर्बिटल साइडवेज ओवरलैपिंग कब होगी, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है, हम बोल सकते हैं, या फिर सच है ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन द डायरेक्शन एट राइट एंगल ऑफ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के राइट एंगल होती है, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड बनाते हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ पीपी ओवरलैपिंग बनाते हैं। हाँ जी, हमारे पास 2px ऑर्बिटल है एक एटम, ये राइट एंगल होगी क्योंकि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हम इस तरह से बना रहे हैं, राइट एंगल क्या होगा, ये इसका राइट एंगल है, तो हम इसके राइट एंगल ले लेते हैं, ठीक है, ये 2px ऑर्बिटल है, 2px एक एटम की, ये भी दूसरे एटम की क्या है, 2px ऑर्बिटल, क्लियर है। हाँ जी, ओवरलैपिंग कराते हैं तो ये आ गई ओवरलैपिंग, क्लियर है, ये हमारे पास इसकी ओवरलैपिंग आ गई पी ऑर्बिटल की, क्लियर है, जो कि मानी जाएगी इफेक्टिव ओवरलैपिंग, और क्या बनाएगी, पाई बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ, एक जो लोब बनता है, ठीक है, कॉमन लोब आ गए, एक तो जो लोब बनता है वो, ये हमारे पास इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्लियर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है, ठीक है।
हाँ जी, एक तो आ गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अपर साइड में, ठीक है, और एक आ गया इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लोअर साइड में, लोअर साइड में, क्लियर, ठीक है। हाँ जी, ये अपर लोब हो गया, ये लोअर लोब हो चुका है, क्लियर है। इसको मैं शो कर सकता हूँ, इसको मैं शो कर सकता हूँ किस तरह से, ये पी ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है, इस तरह से ओवरलैप है, ठीक है, साइडवेज ओवरलैप, ठीक है। अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग होती तो ये किस तरह से होती, ये ऑर्बिटल है पी ऑर्बिटल, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग थी, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग कौन सी है, ये राइट एंगल जो होती है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर